पाने से कोई सूचा नहीं, माँ बाप से कोई ऊंचा नहीं, ये कहावत जो है वो एक कहावत रह गई, क्योंकि पानी यहाँ पे बिल्कुल ही सूचा नहीं है। ये चिट्टी विंग है जो पीछे से पानी आता है, और ये इस साइड के अंदर जो बूढ़ा नाला का पानी ये आता है, और इस साइड में ये होशियारपुर और इसके साइड से जो पानी आता है, ये दोनों तरफ से जो पानी आ रहे हैं ये 100% केमिकल युक्त पानी आ रहा है। और यहाँ पे जो बूढ़ा नाला की तरफ से पानी आ रहा है ये 80% केमिकल युक्त लगभग जो है वो आ रहा है, और यहाँ से ये पानी हमारे जो गंगानगर के अंदर पानी जाता है उसके अंदर ये केमिकल भरा पानी उसके अंदर मिक्स होके और फिर हमारे गंगानगर में जाता है, जो इतना जानलेवा है, जिससे कैंसर की बीमारी हो सकती है, जिससे किडनी जो है फेल हो रही है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, कैंसर की बीमारी हो सकती नहीं है, कैंसर की बीमारी हो रही है, 20-20, 15-15 साल, 10-10 साल के नौजवानों के कैंसर हो रही है। और गंगानगर का ये दुर्भाग्य है कि करोड़ों रुपए का जलदाय के जो है सालाना बजट आता है, लेकिन जब हमने कल अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि आपके इस केमिकल युक्त के पानी की जांच कराने के लिए हमारे पास 50,000 रुपये नहीं है। यानी अभी तक गंगानगर के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी और सरकार ने इस पानी में कौन कौन सा जहर आता है इसकी जांच ही नहीं कराई, इसलिए हमारे गंगानगर के और जो इस नहर का पानी जो जैसलमेर तक पीते हैं उनको ये सच दिखाने के लिए कि अगर हम लोग नहीं जागे और सरकार के भरोसे रहे या प्रशासन के भरोसे रहे तो एक मौत का ऐसा तांडव होगा, एक मौत का ऐसा खेल होगा और हो रहा है जिसकी हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। हम लोग अगर नहीं जागे तो हमारी बेमौत मरने का जो सिलसिला है वो दिनों दिन बढ़ता जाएगा। ये शब्द ऐसे कड़वा सच है जिसको हमने आज यहाँ पे बारीकी से आके देखा है। यहाँ के लोग जो स्थानीय लोगों से हमने पूछा, उनकी उनसे बातचीत की, तो वो कह रहे हैं कि इसका पानी हम हमारे पशुओं को नहीं पिलाते हैं और सुबह फ्रेश होकर हम इस पानी से हाथ नहीं धोते हैं, और हमारा दुर्भाग्य है, हम बदनसीब हैं कि हम ये पानी पीते हैं और इस पानी का जो खामियाजा है वो हमारे लोग भुगत रहे हैं। सरकार सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है, लेकिन ये सच इसलिए जान रहे हैं कि ये सच जानने के बाद में जो भी दोषी है, चाहे वो प्रशासन का कोई अधिकारी हो, चाहे वो सरकार का कोई नुमाइंदा हो या केमिकल डालने वाली फैक्ट्रियां हो, उनको जेल की सलाखों के अंदर जाना होगा। इतना बड़ा अपराध करके ये बहुत बड़ा एक मानववध कह सकते हैं, जो एक निर्मम जिसे कहते हैं।